तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड कप के मैच नंबर 11 के बारे में, जो कि खेले जाने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। तो हेड टू हेड में अगर हम दोनों का रिकॉर्ड देखेंगे तो न्यूजीलैंड काफी स्ट्रांग टीम है। यहाँ पर 95% चांस है कि न्यूजीलैंड ही यहाँ पर मैच जीतेगी, 99% चांस है कि न्यूजीलैंड जीतेगी। बांग्लादेश का बहुत ना के बराबर चांस है कि कल का मैच बांग्लादेश जीते, लेकिन हम लोग को मैच से उतना फर्क नहीं है। हम लोग को अपना ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन पूरा करना है। तो हमारा आज ग्रैंड लीग का प्लेइंग 11 जो है टीम का क्या होने वाला है, किसको हम जो है एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर इस मैच में यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, हर मैच में कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी निकलता है, तो इस मैच के लिए किसके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, बांग्लादेश से या न्यूजीलैंड से, सारा कुछ बात करेंगे। और सीबीसी का हमको चॉइस जो है किसको देना चाहिए, ऑलराउंडर को या फिर ओपनर बैट्समैन को, डेविन कॉनवे को, सारा कुछ बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वीडियो में पहले हम आज से मतलब फर्स्ट टाइम हम जो है गिवअवे रख रहे हैं। इस वीडियो में हमने 10,000 का गिवअवे रखा है। छोटा सा एक सवाल पूछेंगे वीडियो के बीच में कहीं भी, अगर आप उस सवाल का सही आंसर दे देते हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा, घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे, उस सवाल का जवाब अगर आप सीधा देते हो तो आपको जो है 5-10 बंदे को हम गिवअवे दे रहे हैं, तो आपको भी उसमें से 1,500 रुपए मिल सकते हैं। और उसका प्रूफ जो है, विनिंग प्रूफ, जैसे ही कल मैच खत्म होगा रात को, आपको उसका प्रूफ जो है हम टेलीग्राम पे दे देंगे कि हमने किस किस बंदे को दिया है। उसका आप कमेंट सेक्शन में और जाकर टेलीग्राम पे नाम मिला सकते हो। बस शर्त यही है कि आपको हमारे टेलीग्राम का मेंबर होना पड़ेगा। हम वहां पर नाम देखते हैं कि जो बंदा कमेंट किया है हमारे वहां टेलीग्राम पे है कि नहीं, अगर नाम मैच करता है तो ही उसको हम गिवअवे जो है देंगे। तो टेलीग्राम का मेंबर होना जरूरी है। और दूसरा शर्त है कि वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन हम बीच में क्वेश्चन जो है कभी भी पूछ सकते हैं, तो आपसे मिस ना हो। अगर आप ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम दे देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। आप जो है सिंपल सा सवाल का जवाब दो और गिवअवे जीतो और ग्रैंड लीग खेलो आराम से। तो चलिए सारा कुछ बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। टेलीग्राम का मेंबर होना जरूरी है, सबसे जरूरी, ठीक है? तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच प्रिडिक्शन थोड़ा यहाँ पर कर लिया जाए। तो सबसे पहले इसका हम लोग रिसेंट रिकॉर्ड थोड़ा टीम का देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, न्यूजीलैंड का 4 मैच विन है, 1 मैच जो है नहीं है, उसके बाद 1 मैच विन है, 3 मैच लॉस है, 1 मैच का नो रिजल्ट रहा है बांग्लादेश की तरफ से। वेन्यू की बात करें तो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई इंडिया में मैच खेला जा रहा है। और चेन्नई का ग्राउंड कैसा है, उस पर कौन सा प्लेयर चलता है, कौन सा नहीं, सारा कुछ आगे बताएंगे। और पिच की बात करें तो बैटिंग पिच होने वाला है, बैटिंग फ्रेंडली है। यहाँ पर जो बैट्समैन है उनको काफी बॉल में उछाल मिलती है, तो चौका छक्का खेलने में आसानी होता है। ग्राउंड भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बैट्समैन को काफी सपोर्ट मिलेगा। और गुड फॉर पेसर्स है, यहाँ पर जो तेज गेंदबाज होते हैं उनको जो है काफी हेल्प मिलता है, स्पिनर को यहाँ पर कम हेल्प मिलता है, याद रखिएगा। और वेदर की बात करें तो वेदर क्लीन रहेगा, बारिश वगैरह होने की कोई भी संभावना नहीं है। उसके बाद रिसेंट रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड का जो भी एवरेज रन बना है, 231 रन बना है इस ग्राउंड का। लेकिन कल न्यूजीलैंड का टीम खेला है, तो आपको 300 भी बनता हुआ, 300 या 350 आसानी से दिख सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में उतने अच्छे प्लेयर नहीं है कि जो है न्यूजीलैंड के बैट्समैन को जो है डिफेंड कर पाए। और यहाँ पर विकेट की बात करें तो 77 विकेट लिए गए हैं, जिसमें 40 स्पिनर और 37 जो है पेसर्स ने यहाँ पर निकाले हैं। स्पिनर भी विकेट निकाल लेते, ऐसा नहीं है। टोटल 10 मैच खेला गया है दोनों में, हेड टू हेड में देख सकते हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड ने 9 मैच को जीता है, सीधा सा बात है, बांग्लादेश को नहीं जीतने देगा। और 1 मैच नो रिजल्ट रहा है, मतलब एक भी मैच बांग्लादेश नहीं जीता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बांग्लादेश का जो प्लेयर है, ओपनर बैट्समैन को, लिटिन दास है, जो भी प्लेयर है ओपनर बैट्समैन को आप ड्रॉप करके चलना, किसी भी गलती से भी आप ओपनर बैट्समैन को मत लेना। और न्यूजीलैंड का जो 1, 2, 3, 4, 5 जितना नंबर तक बैट्समैन है आप ले सकते हो। तो चलिए सारा कुछ बात करेंगे, उससे पहले हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं आगे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड ने सिर्फ 1 विकेट गिरा करके 175 रन को चेस कर दिया था। मतलब जो 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर का बैट्समैन को अपने टीम में रखा होगा, जो प्लेयर, जो खिलाड़ी, जो ड्रीम इलेवन खेलने वाला, उसको कोई फायदा नहीं हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर 254 पे 10 गिरे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 318 पे सिर्फ 6 विकेट। तो आज के इस मैच में हम मात्र 5 से 6 नंबर तक बल्लेबाज को ही लेके चलेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से, और बांग्लादेश के नीचे के बैट्समैन को लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का यहाँ पर देखिए 154 रन पे 10 विकेट गिर गया है, 168 रन पे 10 विकेट गिर गया है। मतलब बांग्लादेश का जल्दी बैटिंग जो है बैट्समैन गिरा देता है। यहाँ पर देखिए 131 में ही 10 विकेट गिर गया सबसे नीचे। और न्यूजीलैंड का देखेंगे 132 रन को 2 ही विकेट में चेस कर दिया है। तो न्यूजीलैंड का हम ओपनर बैट्समैन को यहाँ पर छोड़ के नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन पे चले तो डेविन कॉनवे की बात करें, ओपनर है अपनी टीम का, लेफ्टी खेलता है। और रिसेंट का आप इसका फॉर्म दे सकते हैं, सबसे अच्छा पारी सेंचुरी मार के आया था, 200 रन, 200 पॉइंट जो है इस मैच में
इसने दिए थे और इसको जो बंदा कैप्टन बनाया था उसका रैंक वन भी आया था। उसके बाद टॉम लथन की बात करें, पिछला मैच जो है नीदरलैंड के खिलाफ 77 पॉइंट दिए थे ड्रीम इलेवन में और इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 32 पॉइंट, तो पिछला मैच जो है यह फ्लॉप रहा है। उसके बाद रहीम की बात करें, रहीम जो है 6 नंबर पे खेलने आता है बांग्लादेश की तरफ से, राइटी होने वाला है। उसके बाद इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ 71 पॉइंट दिया था और अफगानिस्तान के खिलाफ मात्र 6 पॉइंट, यानी पिछला मैच में यह फ्लॉप रहा है। उसके बाद यहाँ पर बात करें लिटिन दास की, तो लिटिन दास पिछला इंग्लैंड के खिलाफ 105 रन की पारी खेला, 105 पॉइंट दिया है और अफगानिस्तान के खिलाफ जो है 27 पॉइंट दिए हैं मात्र। तो यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में किसे लेकर चलना चाहिए, तो ओनली ऑन हम यहाँ पर डेविन कॉनवे को लेकर जाना पसंद करेंगे। उसके बाद बात करें बैटिंग सेक्शन की, तो बैटिंग सेक्शन पे यहाँ पर क्योंकि डेविन कॉनवे ओपनर बैट्समैन है और बांग्लादेश में उतने अच्छे बॉलर नहीं है कि न्यूजीलैंड के काफी ओपनर बैट्समैन को आउट कर पाए, लेकिन हाँ न्यूजीलैंड में बहुत अच्छे बॉलर है, ट्रेंट बोल्ट है, हेनरी है, इस्लाम है, तो वो लोग जो है रविंद्र भी है, तो इन लोग जो है बांग्लादेश का विकेट आसानी से गिरा सकता है। उसके बाद बात करें बैटिंग सेक्शन की, विलियम्स नहीं खेलेगा, इस मैच से बाहर रहने वाला है क्योंकि दोनों मैच नहीं खेला है। उसके बाद बात करूंगा ड्रायन मिचेल की, तो नीदरलैंड के खिलाफ 63 पॉइंट दिया था और इंग्लैंड के खिलाफ 12 पॉइंट, मतलब दो जो पिछला मैच खेला है दोनों में फ्लॉप गया है। 4 नंबर का बल्लेबाज है इंग्लैंड की तरफ से, अगर 3 नंबर तक बैटिंग गिर जाता है तो 4थे नंबर पे ड्रायन मिचेल आएगा। उसके बाद एम हुसैन शांतो की बात करें, नाजमुल हुसैन की, तो 72 पॉइंट दिए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ 17 पॉइंट दिए हैं, 3 नंबर का बैट्समैन है, आप इसको टीम में रख सकते हो, अच्छा खेलता है, ठीक है, बांग्लादेश का प्लेयर है। उसके बाद बात करें मोहम्मदुल्ला है, इसके ऊपर आप रिस्क कल के मैच में मत लेना, अफगानिस्तान के खिलाफ मात्र 4 पॉइंट दिया है, दो रन बना के आउट हो गया था, ठीक है, 2 से 3 रन, इसको मत लेना आप टीम में। चपमन है, चपमन को भी कल आप मत ट्राई करना टीम में, इंग्लैंड के खिलाफ 4 पॉइंट और नीदरलैंड के खिलाफ 9 पॉइंट दिया, पूरी तरह फ्लॉप है, एकदम बेकार, ठीक है। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स है, थोड़ा ठीक ठाक प्लेयर है, यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ 70 पॉइंट दिया था और नीदरलैंड के खिलाफ मात्र 9 पॉइंट दिए थे। तो उसके बाद यहाँ पर विलियम है, 2 नंबर का बैट्समैन है, डेविन कॉनवे के साथ यह ओपनिंग करने आता है, नीदरलैंड के खिलाफ 89 और इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 9 पॉइंट दिए थे, ठीक है। उसके बाद हरी डॉय है, अगर आप ट्रम्प कार्ड प्लेयर ट्राई करना चाहते हो तो आप बांग्लादेश से हरी डॉय को लेके जा सकते हो, क्योंकि 6 नंबर 7 नंबर का बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है और ओपनर का बैटिंग गिरेगा तो यही आपको कुछ अच्छा करके दे सकता है। अफगानिस्तान के खिलाफ मात्र 20 और इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 45 पॉइंट दिए, मतलब 25-30 रन बना के आउट हो गया था। तांजिद हसन है, 2 नंबर का बैट्समैन है, बांग्लादेश की तरफ से लेफ्टी होने वाला है, अफगानिस्तान के खिलाफ 26 और इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 5 पॉइंट, मतलब फ्लॉप है, 2 नंबर का बैट्समैन है, तो आप मत लेना, आसानी से इसका विकेट जो है हेनरी या फिर ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में निकाल सकते हैं। तो सीधा हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन पे कि हमको लेके किसको जाना चाहिए, तो बैटिंग सेक्शन पे देखिए हम लेके जाएंगे यहाँ पर विल यंग को ले लेंगे पहला प्लेयर। उसके बाद दूसरा हम बात करें तो यहाँ पर एम हुसैन शांतो को एक हम बांग्लादेश से प्लेयर ले लेंगे। उसके बाद ड्रायल मिचेल है, ग्नेल फिलिप्स है, तो हम ड्रायल मिचेल को इस टीम में ले ले रहे हैं। अब उसके बाद बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन पे यहाँ पर साकिब अल हसन है, ठीक है, साकिब अल हसन पिछला मैच में ठीक ठाक पॉइंट देखा है, देख सकते 105 पॉइंट दिया अफगानिस्तान के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ 38 पॉइंट दिया है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और स्पिनर है, और स्पिनर को थोड़ा कम सपोर्ट है इस ग्राउंड पे, लेकिन ऑलराउंडर है तो दोनों तरफ से पॉइंट देगा, तो आप इसको टीम में रख लेना। उसके बाद बात करेंगे हसन मिराज की, पिछला मैच यह भी अच्छा खेला है, काफी अच्छा, 177 पॉइंट दिए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 7 पॉइंट दिए हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर मिचेल सैंटनर की, तो मिचेल सैंटनर काफी अच्छा दोनों मैच में खेल के आया, इंग्लैंड के खिलाफ जो है 56 और नीदरलैंड के खिलाफ 204 रन, मतलब 3 विकेट भी निकाले थे और 60-70 रन भी इसने उस मैच में बनाए थे, 3 विकेट भी निकाले थे। ड्रायल मिचेल का लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसके बाद रविंद्र भी है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, इंग्लैंड के खिलाफ देख सकते हैं 183 की पारी और नीदरलैंड के खिलाफ 91 पॉइंट, ये पॉइंट है दोस्तों, पारी का मेरा कहने का मतलब है पॉइंट दिया है, ठीक है। उसके बाद जिमी निशाम नहीं खेलेगा। उसके बाद हसन है, मेहादी हसन है, तो 133 पॉइंट दिए हैं इंग्लैंड के खिलाफ और अफगानिस्तान में जो है नहीं खेला, तो इस मैच में खेलता हुआ आपको दिख जाएगा। तो बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में किसको लेना है, तो साकिब अल हसन, हसन मिराज, उसके बाद रविंद्र और एक प्लेयर जो है तांजिद हसन को हम ले रहे हैं। हम यहाँ पर मिचेल सैंटनर पिछला मैच में हालांकि विकेट निकाल कर आया है, लेकिन मैं इसको ड्रॉप करके चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो सॉरी बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग पे हम यहाँ पर लेके जाएंगे ट्रेंट बोल्ट को। ट्रेंट बोल्ट पिछला मैच में एक विकेट निकाला था, देख सकते हैं यहाँ पर मात्र 33 पॉइंट दिए और नीदरलैंड के खिलाफ 14 पॉइंट दिए। उससे पहले जो हमारा एक क्वेश्चन था, अब फाइनल यहाँ पर आने वाला है, हमारा इसमें सवाल यह है कि यह जो 5 ऑलराउंडर है, साकिब अल हसन, हसन मिराज और मिचेल सैंटनर,
रविंद्र और उसके बाद यहाँ पर हसन, ये पांचों जो है ऑलराउंडर में से कल सबसे ज्यादा रन और विकेट कौन निकालेगा, मतलब कौन है जो सबसे ज्यादा विकेट निकालेगा और कौन है जो इन पांचों में सबसे ज्यादा रन बनाएगा। बस पांच प्लेयर है, पांचों में से आपको जो सही लग रहा है कि हाँ कल ये तीन विकेट निकालेगा या 70 या 100 रन जो भी मारेगा, आप उसका नाम कमेंट में कर दो। और जो इसका कमेंट सही रहेगा आपको कल मैच खत्म होने के बाद प्रूफ के साथ टेलीग्राम पे गिवअवे आपको दे दिया जाएगा, जो भी 5 से 10 लोग रहेंगे। ठीक है, तो यही आपका जो है यहाँ क्वेश्चन होने वाला है। तो मिचेल सेंट्रल को हम लेके यहाँ पर एक प्लेयर हम ड्रॉप कर देंगे, ड्रैल मिचेल को हम हटा दे रहे हैं, ऑलराउंडर है मिचेल सेंट्रल, तो पहला टीम हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि ऑलराउंडर यार पिछला मैच में 3 विकेट भी निकाल के आया, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन पे, ट्रेंट बोल्ट का हमने बता दिया 1 विकेट लिया है, तास्किन अहमद है फ्लॉप चल रहा है मैच से, 1 विकेट मात्र लिए थे यहाँ पर, 40 पॉइंट दिए थे। उसके बाद बात करें ईशा सोदी है नहीं खेलेगा इस मैच में, मुस्तफिकुर रहमान है मात्र 1 विकेट निकाले थे अफगानिस्तान में। उसके बाद टीम सऊदी नहीं खेलेगा, सराफुल इस्लाम है पिछला मैच में हमने आपको लेके दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ 66 और इंग्लैंड के खिलाफ 107 रन, मतलब 2 से 3 विकेट हर मैच में निकाल ले रहा है। उसके बाद मार्क हेनरी है, ठीक है, मट हेनरी 91 पॉइंट दिए इंग्लैंड के खिलाफ और नीदरलैंड में देख सकते हैं 123 पॉइंट, तो हेनरी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और दोनों मैच में हमने इसको टीम में आपको लेके दिया भी था। तो यहाँ पर बात करें हम किसको लेके जा रहे हैं, तो हेनरी को और उसके बाद ट्रेंट बोल्ट और एक हमारा इस्लाम जो है प्लेयर होने वाला है, आप चाहो तो इस्लाम की जगह किसी और को भी ट्राई कर सकते हो इस मैच में। तो इस मैच में हमारा जो है एमुसन सांतो है, विलियन है, तो सीधा बात करें इस मैच में हमारा, तो ये हमारा फाइनल टीम बन गया। अब इसमें हम जो है एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर किसको हटा के हम डाल सकते हैं, अब सीधा उसकी बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन पे यहाँ पर हम आते हैं, तो हसन मिराज है, ठीक है, बांग्लादेश का प्लेयर, तो हम इसको हटा के एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर बैटिंग सेक्शन पे, जैसा हमने बोला यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स है मात्र 25 पॉइंट है, कोई नहीं लेके जा रहा है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा। हमारा 7-4 कॉम्बिनेशन में टीम बन गया है क्योंकि न्यूजीलैंड का प्लेयर काफी हैवी है, मतलब हाई प्रोफाइल है, उसके बाद बांग्लादेश का थोड़ा लो में खेलता है, मतलब मजबूत नहीं है। तो सीधा बात करें यहाँ पर नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने वाला है इस मैच के लिए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए हम सेफ जाएंगे यहाँ पर कैप्टन रविंद्र के साथ, और वाइस कैप्टन हम सेफ जाएंगे यहाँ पर विल यंग के साथ। डेविन कॉनवे ओपनर है लेकिन मैं विल यंग के साथ जाऊंगा, डेविन कॉनवे पिछला मैच में काफी अच्छा पॉइंट खेल के आ रहा है, लेकिन जितना अच्छा पिछला मैच खेल के आ रहा है उतना अच्छा इस मैच में नहीं खेलेगा, मैं अभी वीडियो में आपको बोल सकता हूँ। हम वाइस कैप्टन जाएंगे विल यंग के साथ, तो यह हमारा फाइनल टीम नंबर 1 बन के तैयार है जिसमें न्यूजीलैंड का 7 और बांग्लादेश का मात्र 4 खिलाड़ी है। ठीक है, तो ऑलराउंडर को आप कोशिश करना कि कल के मैच में कम ड्रॉप करना। तो यह हो गया टीम नंबर 1, अब बात करेंगे टीम नंबर 2 का कि इसमें हमारा ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन क्या होने वाला। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और गिव अवे पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमने दे दिया। और साथ में वीडियो अगर आपको यहां तक पसंद आ रहा हो तो मेरा वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक है, 100 लाइक आप लोग सभी लोग मिलकर आसानी से पूरा कर सकते हो, एक एक लाइक भी अगर आप वीडियो को करोगे तो 100 लाइक आसानी से पूरे हो जाएंगे, तो 100 लाइक पूरा कर देना। अब चलिए बात करते हैं कि टीम नंबर 2 क्या होने वाला है ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर बात करेंगे डेविन कॉनवे है, टॉम रथन, तो यहाँ पर हम एम रहीम और डेविन कॉनवे 2 प्लेयर लेके जाएंगे, एक हम ट्रम्प कार्ड उठा के जाएंगे रहीम को यहाँ से। उसके बाद बात करें बैटिंग सेक्शन की, तो बैटिंग सेक्शन पे हम यहाँ पर ड्रायल मिचेल को लेके जाएंगे और यहाँ पर विलियम को लेके जाएंगे, बस 2 ही प्लेयर हमारा रहने वाला है। उसके बाद बात करें ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर पे हमारा इस बार हसन रहेगा, ठीक है, उसके बाद सारे ऑलराउंडर हम इस टीम में रखने वाले हैं, मात्र 2 बॉलर हम लेके चलेंगे। उसके बाद बात करें पांचों प्लेयर रख लिया हमने, साकिब अल हसन, हसन मिराज, मिचेल संतरा, रविंद्र और एम हसन। अब बात करें बॉलिंग सेक्शन पे, तो हम ट्रेंट बोल्ट और यहाँ पर हेनरी, ट्रेंट बोल्ट को हम ड्रॉप करेंगे इस मैच में, हम यहाँ पर इस्लाम के साथ जाएंगे, एक बांग्लादेश का एक न्यूजीलैंड का प्लेयर, तो 6-5 कॉम्बिनेशन में हमारा यह टीम बन गया है। देख सकते हैं टीम का कॉम्बिनेशन, इसमें हमारा रहीम है, विकेट कीपर सेक्शन पे डेविन कॉनवे है, उसके बाद मिचेल संतरा, विलियम, उसके बाद साकिब अल हसन, हसन मिराज, मिचेल संतरा, उसके बाद हसन, रविंद्र और इस्लाम और जो है हेनरी, बस इतना ही प्लेयर हमारा टीम में होने वाला है। अब इसमें बात करें नेक्स्ट की कैप्टन वाइस कैप्टन हम किसके साथ जाएंगे, तो वाइस कैप्टन और कैप्टन हम जाएंगे यहाँ पर रविंद्र के साथ ही, हम कैप्टन जाना पसंद करेंगे। उसके बाद वाइस कैप्टन हम यहाँ पर साकिब अल हसन के साथ, या फिर हसन मिराज है तो हसन मिराज के साथ भी हम जा सकते हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पर जाएंगे हेनरी के साथ, हम वाइस कैप्टन जाएंगे जो कि बॉलिंग सेक्शन में होने वाला है न्यूजीलैंड की तरफ से। तो यह हमारा फाइनल टीम नंबर 2 बन के रेडी है, अगर इसमें टॉस के बाद कुछ भी चेंज और अपडेट नहीं आता है तो मैं इसी टीम के साथ खेलूंगा, अगर चेंज या अपडेट तो वैसे आता है तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा, और साथ में गिव अवे भी टेलीग्राम पे दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों यही तक रहेगा अपना वीडियो, तो मिलते हैं आप सभी से अपने अगली वीडियो में।